मैं सत्यम आर्या। हमने पिछले वीडियो में इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस और इम्पोर्टेंट एंटोमोलॉजी के क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी। आज का हमारा टॉपिक है मस्टर्ड सफ्लाई की लाइफ साइकिल। तो चलिए देखते हैं मस्टर्ड सफ्लाई को, की लाइफ साइकिल को। तो सबसे पहले देखते हैं मस्टर्ड सफ्लाई का सेंटोनिम क्या होता है। मस्टर्ड सफ्लाई का सेंटोनिम होता है मस्टर्ड सफ्लाई सेंटोनिम एथालिया प्रोक्सिमा लुजेंस, एंड फैमिली इज 10,3-DD, एंड ऑर्डर इज हाइमिनोप्टेरा। इसके साथ ही बात करते हैं इसका होस्ट प्लांट क्या होता है। इसका होस्ट प्लांट क्रूसीफेरी फैमिली के प्लांट आते हैं, जैसे आपका मस्टर्ड हो गया, टर्निप हो गया, रेडिश हो गया। इसके साथ और भी जो क्रूसीफेरी फैमिली के प्लांट आते हैं उस पर ये मस्टर्ड सप्लाई अटैक करता है। इसके साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं इस पेस्ट के। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, किस रीजन में, तो अब हो जाएगा इंडिया, इंडोनेशिया और ताइवान कंट्री में देखने को मिलता है। अब हम चर्चा करते हैं इसकी लाइफ साइकिल। तो मस्टर्ड सप्लाई की लाइफ साइकिल चार अवस्थाओं में घटित होती है, जिसमें आपका एक लार्वा या इसे को ग्रब बोलते हैं, और उसके बाद प्यूपा बनता है, इसके बाद एडल्ट बनता है। तो एक लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट, ये चार अवस्थाओं में लेकर के मस्टर्ड सफ्लाई की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं एक के बारे में जान लेते हैं। द फीमेल लेज 32-35 एग्स सिंगली ऑन द अंडर सर्फेस ऑफ द लीव्स विथ सालाइक ओविपोजिटर। फीमेल के द्वारा 30 से 35 एग दिए जाते हैं अंडर सर्फेस ऑफ द लीव्स, लीव्स के अंडर सर्फेस पे, और एक पीरियड जो होता है वो एक का वो 4-8 डेज होता है। कितने दिन? 4-8 डेज होता है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं 4-8 डेज एक का। तो एक पीरियड जो होता है वो आपका 4-8 डेज होता है। तो एक से 4-8 दिन के एक पीरियड के बाद हमारा क्या बनेगा, क्या आएगा, हिच करके ग्रब या लार्वा आएगा। लार्वा जो होता है उसका अपीयरेंस कैसे दिखता है, कैसा होगा? तो लार्वा दीज हैव 8 पेयर एब्डोमिनल लेग्स, उसके पास 8 पेयर एब्डोमिनल लेग्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ उसकी बॉडी का कलर कैसा होगा, डार्क ग्रीन इन कलर, कैसा, डार्क ग्रीन इन कलर होगा और विथ ब्लैक मार्किंग्स होगा। लार्वल पीरियड इज अबाउट 60-35 डेज विथ 7 स्टेजेस या इंतजार के साथ कंप्लीट होगा। तो कितना दिन का टाइम लिया था लार्वा लेता है प्यूपा बन, लार्वल पीरियड कितने दिन का होता है? तो ये 16-35 डेज का होता है, 16-35 डेज का होता है। तो लार्वा के बाद हमारा प्यूपा बनता है। प्यूपल पीरियड कैसा होता है? प्यूपेशन इन वाटर प्रूफ कोकून इन सॉयल, वाटर प्रूफ कोकून के अंदर, सॉयल के अंदर होता है, ठीक है, सॉयल के अंदर होता है। और प्यूपल पीरियड कितने दिन का होता है आपका? लगभग 11-31 डेज का होता है। कितने दिन का? 11-31 डेज का होता है। तो प्यूपेशन आपका सॉयल में हुआ, इसके साथ ही कितने दिन का हुआ, ये कितने दिन में होता है? लगभग 11-31 डेज में ये पोड होता है। तो 11-31 डेज लगा। तो उसके बाद एक सिंगल कोकून से एडल्ट इमर्ज करता है, एडल्ट बनेगा। तो एडल्ट इमर्ज फ्रॉम ए कोकून इन अर्ली अक्टूबर, अक्टूबर के प्रारंभ में एडल्ट इमर्ज होता है फ्रॉम कोकून, और इसकी बॉडी इज ऑरेंज कलर एंड ब्लैक मार्किंग्स होती है। कैसी? ब्लैक मार्किंग्स होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल यह लगभग 31 से लेकर के 34 डेज में क्लियर होता है। कंप्लीट होता है। तो जैसे कैसे होकर देखे, जोड़ लेते हैं। 4 डेज आपका लगभग एक का पीरियड मानते हैं,
16 डेज लार्वा का मानते हैं, 11 डेज प्यूपा का मानते हैं, तो इसको कंप्लीट करते हैं तो 4 और 16 20 हो गया और 11 31 हो गया। तो 31 डेज या 31 दिन में आपका एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक के समय में ड्यूरेशन में आपका 2 से 3 लाइफ साइकिल मस्टर्ड सप्लाई की कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार से मस्टर्ड सप्लाई की लाइफ साइकिल ये कंप्लीट हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब।